करगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद कर रहा देश। देश में नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और पीएम ने भी किया नमन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी आज फिर करेगी सोनिया गांधी से पूछताछ। देश भर में प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। बीजेपी ने कहा सच सामने से आने से घबराई कांग्रेस। सत्याग्रह का ड्रामा। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है यह भी पूरा देश देख रहा है। सदन में हंगामा करने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा एक्शन। कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की बड़ी मुसीबत। 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में पार्थ और अर्पिता मुखर्जी। भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर पहुंची ईडी की टीम। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से 304 पन्नों के दस्तावेज बरामद। सूत्रों के मुताबिक 28 पन्नों पर अर्पिता मुखर्जी का नाम। ईडी ने किया पार्थ चटर्जी और अर्पिता के बीच पैसों के लेन देन के सबूत का दावा। दिल्ली में नई आबकारी नीति के एक और मामले में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को दिया जांच का आदेश। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। एलजी ने 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और हिमाचल में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। जम्मू में अगले 72 घंटों का अलर्ट जारी। गुजरात में जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत के मामले में पुलिस का बड़ा दावा। कहा शराब नहीं सीधा केमिकल पीने से हुई लोगों की मौत। पुलिस ने सैकड़ों लीटर केमिकल किया जब्त। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीटेक छात्र की मौत के मामले में नया मोड़। पुलिस मोबाइल पर पिता को भेजे धार्मिक मैसेज की जांच में जुटी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौत की वजह खुदकुशी।